हेलो एवरीवन, और आज हम आपको दिखा रहे हैं लहसुन का पाउडर। तो आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा और कुछ लोगों ने सुना भी नहीं होगा क्या लहसुन के पाउडर लहसुन का भी पाउडर बन सकता है या फिर इसका भी कुछ यूज़ हो सकता है। पर हाँ, हो सकता है और खूब ज़्यादा होता है और अच्छी तरह से हो सकता है। तो आज हम दिखाते हैं आपको लहसुन का पाउडर कैसे बनाना है, क्या करना है और साथ में इसका क्या फ़ायदा है और कहाँ कहाँ आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले देख लीजिए, लहसुन का पाउडर बनाने के लिए हमने किया क्या है। लहसुन को अच्छी तरह से छील कर, ये लंबी लंबी से मैंने इसको कटिंग कर ली और कटिंग करने के बाद मैंने इसको धूप लगाई है तीन दिन की कड़ी धूप में। ये अच्छी तरह से खूब क्रिस्पी हो गई हैं। देखिए इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं बहुत आसानी से, इसमें खनकने जैसी आवाज़ आ रही है। ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्प हो चुका है और थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो गया है। इसको सुखाने में तो खैर कोई कसर ही नहीं छोड़नी है। जितना ये क्रिस्प इसको धूप लग जाएगी, सूख जाएगा, उतना ही ज़्यादा बेटर इसका पाउडर बनेगा। अब हम इसको मिक्सी के जार में डाल लेते हैं और अच्छी तरह से इसको पीस लेते हैं और ग्राइंड कर लेते हैं। ये देख लीजिए कितना अच्छा इसका फाइन पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब इसके क्या यूजेस हैं, मैं इसको यूजेस बता देती हूँ। मेयोनीज, टमाटो केचप, सॉस, सैलड ड्रेसिंग्स और ग्रेवीज, स्ट्यू, स्पैगेटी, चटनी, अचार या करी वाली कोई भी सब्जी, व्यंजन, कुछ भी आप बनाते हैं उसके टेस्ट को एनहेंस करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। या गार्लिक ब्रेड या गार्लिक टोस्ट, पूरी, पकौड़ी, पराठा, कचौरी, कुछ भी सब्जियाँ, ब्रेड, पास्ता आदि का स्वाद बढ़ाने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में और खून को पतला करने में ये आपकी बहुत हेल्प करता है। हार्ट डिसीज़ में भी आपका काम आता है, इसके फ़ायदे हैं। इसके अलावा डाइजेशन पावर इससे मजबूत होता है और फंगल इन्फेक्शन जैसी जो बीमारियां हैं उनसे लहसुन आपको दूर रखता है। तो अब आप सोचेंगे कि ताज़े लहसुन की जगह अब हमें इसका प्रयोग कितना करना है। तो ताज़े लहसुन की जगह हमें 1/4 टीस्पून, यानी कि एक ताज़े लहसुन की कली के बराबर 1/4 टीस्पून बराबर होता है, उतना हमें डाल देना चाहिए। इसके अलावा इसको बिल्कुल एयर टाइट, जो भी कोई एयर टाइट आपके पास बॉक्स हो, कोई भी कंटेनर हो, उसमें आपको इसको डालकर रख देना है। और आप इसको किसी ठंडी जगह पर रखेंगे, गर्म जगह पर इसको नहीं रखेंगे, वरना पाउडर आपस में जैसे कुछ थोड़ा थोड़ा चिपक जाता है, इसलिए ठंडी जगह पर रखना इसके लिए बेस्ट होता है। तो मैंने इसको एयर टाइट कंटेनर में रख दिया है अच्छी तरह से।